तो आज मैं लेकर आ गई हूँ बीएफए उप सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर वन का 2024-25 एग्जाम के लिए पूरा का पूरा नया मॉडल पेपर। अगर आप लोग भी बीएफए उप सेमेस्टर में 2024-25 में हिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के पेपर नंबर वन का, जिसमें आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, यही आपके पेपर का नाम है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको बता देने वाली हूँ, जो प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताने वाली हूँ बस उन्हीं सभी को पढ़ लो, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल परीक्षा में आते हैं और इस बार भी आने वाले हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, 100% पूरी मैं गारंटी देती हूँ। तो मैं अति लघु, लघु, दीर्घ तीनों के लिए बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितना भी प्रश्न मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, सभी का आंसर भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगा हिस्ट्री पेपर वन की प्लेलिस्ट में। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपकी 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स हैं वो पूरी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, वो भी नोट्स के साथ। तो सबसे पहले हम आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो आपके एग्जाम में 10 प्रश्न दिए जाते हैं और सभी का आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। देखो, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके पेपर का पैटर्न अलग होता है, तो वो तो आपको पता है, क्योंकि आप लोग थर्ड ईयर में हैं तो आप लोगों ने 2 साल परीक्षाएँ दी हैं, 4 सेमेस्टर दिया है, तो वो सब चीज़ें आपको पता है, आपको बताने की अब ज़रूरत नहीं है। चलिए आपका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। मंगल पांडे, मंगल पांडे कौन थे? देखो, मंगल पांडे ही तो बैरकपुर छावनी में ये क्या थे, सैनिक थे, और इन्होंने ही तो गोली चलाई थी 2 ब्रिटिश अफसरों पर, तभी से तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो मंगल पांडे, ये वाला मैंने आपके यूनिट नंबर 1 में पूरा पढ़ाया है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी, ये बात याद रखिएगा। आपका तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बंगाल का विभाजन, अति लघु में ऐसे ही लिखकर छोड़ देगा, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था वो आपको याद रखना है। देखो, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, और हिंदू मुसलमान की सांप्रदायिकता का आधार बनाकर, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को आधार बनाकर बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश वायसराय था जिसने बंगाल का विभाजन किया था, हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालने का काम उसने बंगाल विभाजन के माध्यम से किया था, जो कि मैंने आपको बंगाल विभाजन की वीडियो में पूरा डिटेल में समझा दिया है। आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदारवादियों की राजनीतिक मांगे बताइए। देखो, कांग्रेस जो है वो 2 गुटों में बट गया था, उदारवादी और एक था उग्रवादी। तो उदारवादी जो राजनीति नेता थे उनकी क्या क्या डिमांड थी, और जो उग्रवादी थे वो अलग हो गए थे, क्योंकि दोनों में मतलब बनती नहीं थी, दोनों के विचार सोच अलग अलग थे, तो इसलिए ये आपको पढ़ लेना है, क्योंकि उदारवादी और उग्रवादी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? अब देखो, जब बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में, तब जाकर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और मुस्लिम लीग की स्थापना भी अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को भड़का कर करवाई थी, मतलब उनका अंग्रेज़ों ने ये भड़काया कि जो ये कांग्रेस पार्टी है ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये हिंदू की पार्टी है, और ये कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेगी, तुम्हारे हित में काम नहीं करेगी। जबकि जो कांग्रेस पार्टी थी वो हर एक धर्म के हितों को ध्यान में रखकर काम करती थी, क्योंकि वही एकमात्र पार्टी थी अभी आज़ादी से पहले। तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को भड़का करके मुस्लिम लीग की स्थापना करा दी, ताकि हिंदू और मुसलमान की एकता को तोड़ा जा सके, क्योंकि उनका उद्देश्य ही था फूट डालो और शासन करो। तो उन्होंने हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ दिया, जबकि हमारे देश में हिंदू मुसलमान के बीच एकता बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना क्या है? माउंटबेटन योजना अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ज़रूर पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, 100% आएगा। देखो, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद होने वाला था, तो उससे पहले एक योजना पारित की गई ब्रिटिश संसद से, और वो योजना थी माउंटबेटन योजना, क्योंकि माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन, वो अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे भारत में, इनके बाद ही दूसरा कोई वायसराय नहीं आया और भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो इनके समय पर ही ये जो योजना पारित की गई, इसमें ये था कि 1947 में अगस्त के महीने में भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, और भारत 2 अलग अलग राष्ट्रों में आज़ाद होगा, भारत और पाकिस्तान। तो जब हम आज़ाद हुए तो हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए, और हमारा भारत 2 राष्ट्रों के बीच में बढ़ गया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उदारवादी और उग्रवादी नेता के नाम। नेता के नाम आपको एकदम रट लेना है कि उदारवादी नेता कौन थे, उग्रवादी नेता कौन थे, और सब कुछ मैंने आपका पढ़ा दिया है, आपको सब कुछ हमारे चैनल पे मिल जाएगा क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। देखो महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने मतलब डांडी मार्च किया, पूरा पैदल इन्होंने यात्रा की और जा करके इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो ये पूरा आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आंदोलन है जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लखनऊ समझौता, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ समझौता क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है, लेकिन अगर अति लघु में पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा कि लखनऊ समझौता क्या है। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस था वो दो दलों में बढ़ गया था, एक उदारवादी और एक उग्रवादी, और जो हिंदू और मुसलमान थे वो भी अलग अलग हो गए थे। एक तरफ थी कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग पार्टी। तो लखनऊ समझौता एक ऐसा समझौता था जिसके माध्यम से उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के मध्य समझौता होता है देश को आज़ाद कराने के लिए। मतलब अभी तक बटे हुए हैं, अलग अलग ख्याल हैं, जब तक एक नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इन दोनों के बीच में समझौता होता है और एक तरफ मुस्लिम लीग के नेता और कांग्रेस के नेता आपस में समझौता करते हैं, तो मतलब दोनों के बीच समझौता होता है, उसी को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें अलग अलग शर्तें थी, अलग अलग बातें थी जो मैंने लखनऊ पैक्ट वाली वीडियो में पढ़ा दिया है, आप पढ़ के तैयार कर लीजिएगा। आपका 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है अति लघु के लिए स्वदेशी आंदोलन की विशेषताएँ लिखिए। स्वदेशी आंदोलन की विशेषताएँ बढ़िया से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बंगाल विभाजन जब किया गया तब जाकर स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी आंदोलन की विशेषताओं में देखो पहली विशेषता ये है कि इसमें महिलाओं और छात्रों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दूसरी विशेषता ये है कि महिलाओं ने विदेशी बर्तनों को यूज़ करने से मना किया, उन्होंने नारा दिया कि हम विदेशी बर्तनों को यूज़ नहीं करेंगे, विदेशी चूड़ियाँ नहीं पहनेंगे। उन्होंने विदेशी चीज़ों का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और इस आंदोलन में कहा गया कि जितना भी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके अपने देश में बनी वस्तुओं को प्रयोग करो और विदेशी वस्तुओं को जला दो, उसका बहिष्कार करो, उसको फेंक डालो। इसलिए ऐसा किया गया था ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जा सके। मतलब बंगाल विभाजन का विरोध इस तरीके से किया जा रहा था। तो ये 10 अति लघु प्रश्न हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखेंगे आपके सेक्शन बी के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे मैं 8 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगी क्योंकि आपके पेपर में 8 दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखने के लिए आपसे पेपर में कहा जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ मैं बताने जा रही हूँ 100% पढ़ लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है और सभी के आंसर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। ओके, तो आंसर के लिए परेशान नहीं होना है कि मैम क्वेश्चन आपने बता दिया इसका आंसर दे दीजिए। देखिए आंसर भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है पहले ही, जो यूनिट्स मैंने कराई है वही आंसर है क्योंकि पूरा नोट्स मैंने दिया हुआ है, पूरा समझा दिया है। पहला लघु के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति की असफलता के कारण बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 1857 की क्रांति हुई वो क्यों असफल हो गई थी। देखो इसमें आप जब देखेंगे सभी के अपने अलग अलग हित थे जितने भी इसमें क्रांतिकारी थे, तो कहीं ना कहीं वो एक कारण था असफलता का। मगर डिटेल में इस पर वीडियो मैंने अपलोड की है, नोट्स पूरा आपको लॉन्ग मिलेगा तो आप स्क्रीनशॉट करके तैयार कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों पर एक निबंध लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन है 2024-25 की परीक्षा के लिए। तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद भी एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा दिया है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई। इसकी स्थापना 1885 में की गई थी, ये बात याद रखिएगा, और इसके प्रमुख क्या उद्देश्य थे, इसके उद्देश्यों को भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच क्या अंतर है। वेरी इंपॉर्टेंट, नरमपंथी और गर्मपंथी यानी उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच में क्या अंतर है, दोनों की सोच क्या थी, दोनों की मांग क्या थी और देश को आज़ाद कराने के लिए इन दोनों नेताओं के अलग अलग जो विचार थे वो विचार क्या थे, आपको इनके बीच में अंतर लिखना होगा क्योंकि इसका अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में ज़रूर दिया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन क्यों किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, हिंदू मुसलमान की एकता में फूट डालने का काम किया था ब्रिटिश सरकार ने। इस कारण हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता को आधार बना करके 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया था।
जिस समय बंगाल का विभाजन किया गया उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था और उसी ने बंगाल का विभाजन कराया था। भारतीयों ने इसका विरोध कैसे व्यक्त किया? भारतीयों ने इसका विरोध करने के लिए, देखो इसके विरोध में बहुत सारे आंदोलन हुए, जब से बढ़कर को बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन चलाए गए। उसके साथ ही साथ जिस दिन बंगाल विभाजन को लागू किया गया था और बंगाल को पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांट दिया गया था, और पूर्वी बंगाल ही आज एक बांग्लादेश है, एक अलग देश है, तो जब दो भागों में इसको बांटा गया था तो सभी भारतीयों ने, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान, बंगाल के लोगों ने अपने एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधी कि हम एक हैं, बंगाल को बांट देने से हम अलग नहीं हो सकते। उपवास रखा, गंगा यात्रा मतलब स्नान किया, इस तरीके से उन्होंने शोक भी मनाया, विरोध भी किया, बहिष्कार आंदोलन किया, स्वदेशी आंदोलन चलाए और पूरी तरीके से विरोध किया गया। देखो बाद में चल करके बंगाल विभाजन रद्द तो कर दिया गया था, लेकिन बंगाल विभाजन के जस्ट बाद ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी ब्रिटिश सरकार ने भड़का धड़का के मुसलमानों से करवा दी थी। तो अब जब बंगाल विभाजन के बाद सब कोई बट चुका है तो अब उसको चाहे जितना भी जोड़ोगे वो जुड़ नहीं सकता। तो फिर बंगाल विभाजन रद्द भी किया गया था, जब दिल्ली दरबार लगा था उसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, मगर जो उनका मकसद था उन्होंने तो पूरा कर ही लिया था। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों चलाया गया था और इसके मुख्य कारण क्या क्या थे, मतलब किन कारणों से इस आंदोलन को चलाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़िएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर एक निबंध लिखिए। देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 200 शब्दों में आपको पूरा लिखना होगा। आपके लघु के लिए आठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये आठ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए है, एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आपने इन क्वेश्चन को पढ़ लिया तो यकीन माने यहाँ से 90% आपके लघु में पूछा जाएगा। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आपके पेपर में चार प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि नहीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। पेपर में चार दिए जाते हैं मगर इस मॉडल पेपर में मैं पांच महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी जो दीर्घ में 100% आने के पूरे चांसेस हैं और आ सकते हैं और आएंगे, तो इसलिए वो पांच अगर आप तैयार करेंगे तो यहाँ से कोई ना कोई दो क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिल जाएगा दीर्घ में, और दो ही करना होता है तो फिर वही दो आप कर दीजिएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका और योगदान का वर्णन कीजिए। 1919 से लेकर के आप देखेंगे कि 1947 तक भारत में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इनकी बहुत अहम भूमिका है, इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, तो इसलिए इनका जो योगदान है वो बहुत अधिक है, तो इसलिए इनका योगदान आपको तैयार कर लेना है। इनका योगदान आपको इस तरीके से तैयार करना है कि पहले आपको इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होगा, फिर उन्होंने जो अफ्रीका में नस्लल भेद के लिए आंदोलन चलाया था, क्योंकि अफ्रीका में गोरे कालों के बीच में बड़ा मसला था, मतभेद था, उसके लिए उन्होंने अफ्रीका में आंदोलन चलाया, वो आप लिखेंगे। तो देखिए 1919 में लगभग गांधी जी भारतीय राजनीति में आ चुके थे और यहाँ से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। 1947 तक इन्होंने अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े जन आंदोलन चलाए, इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तो अलग प्रकार के जितने भी इन्होंने आंदोलन चलाए उन सभी आंदोलनों के बारे में आपको लिखना होगा, उन आंदोलनों के उद्देश्य लिखने होंगे, उनके कारण लिखने होंगे, ताकि आप लोग गांधी जी का जो पूरा योगदान है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वो अच्छे से आप अपने आंसर में लिख पाएँ। इसलिए बता रही हूँ ताकि इसी तरीके से आंसर आपको लिखना होगा, क्योंकि इनका ये जो योगदान है वेरी इंपॉर्टेंट है, और वीडियो मैंने करवा दी है, और इनका जो राष्ट्रवाद पर विचार है भारतीय राष्ट्रवाद पर वो भी मैंने करवा दिया है, तो वो सब आपको इनके योगदान में लिखना होगा, तब जाके एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अब देखेंगे आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, होम रूल लीग आंदोलन क्या था। देखो होम रूल लीग आंदोलन क्या था, होम रूल का मतलब स्वशासन, अपने घर में शासन खुद करें। देखो हर इंसान अपने घर का मालिक होता है, कोई पड़ोसी किसी का घर नहीं चलाता, लेकिन हमारे भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे, भारतीय कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, जो नीतियाँ बनाना है जो कुछ भी करना है वो ब्रिटिश सरकार करती थी। तो देखो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलनों का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बाल गंगाधर तिलक ने एक होम रूल लीग आंदोलन चलाया, एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की, दोनों के अलग अलग स्थान पर अपने होम रूल लीग को खोला गया, दोनों का उद्देश्य क्या था, स्वशासन की मांग करना, मतलब इनका उद्देश्य था कि अंग्रेज सरकार यहाँ है
लेकिन कम से कम जो हमारे देश की नीतियाँ बनानी है, जो कुछ भी हमारे देश में शासन करना है, वो हम भारतीय स्वयं करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही रहकर करेंगे, मगर स्वयं करेंगे। यहाँ तक अभी पूर्ण स्वराज, पूरी स्वतंत्रता का उद्देश्य नहीं हुआ था। अभी बस ये लोग यही चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार के ही अंडर में रहकर हम अपना देश चलाएं, अपना कम से कम अपने देश के लोगों के लिए, अपने लिए नीतियाँ स्वयं बनाएं, वो भले हम फिर उसकी बात रखें ब्रिटिश सरकार के आगे। बाद में चल करके पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और उसकी मांग किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग आंदोलन है, उसको पहले पूरा डिटेल में एक वीडियो में कवर किया है, यूनिट नंबर 8 में आपके, और होम रूल लीग आंदोलन क्या है सब अच्छे से समझा दिया है, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में नोट्स काम आ जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा यूनिट्स को। चलिए नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और उसके कारणों की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया है टॉपिक आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण और परिणामों का वर्णन करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जरूर आएगा एग्जाम में, एकदम बढ़िया से रट लीजिए। रटने का मतलब दिमाग में ऐसा बैठा लीजिए कि आपको एग्जाम में सोच के ना लिखना पड़े, क्योंकि ये क्वेश्चंस 100% एग्जाम में आने वाले हैं इस बार। तो देखो 1857 की जो क्रांति थी, वो उसके कारण क्या थे, उसका परिणाम क्या निकलता है, उसके असफलता के क्या कारण थे, उसके होने के क्या कारण थे, पूरा आपको पढ़ना होगा, और मैंने पूरा पूरा पढ़ा दिया है नोट्स के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का उदय और उसके मांगों का वर्णन कीजिए। ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दीर्घ के लिए हैं। तो इस वीडियो में मैंने जो अति लघु, लघु और दीर्घ के लिए प्रश्न आपको बताए हैं, सभी का आंसर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाहर आपको कोई और टॉपिक, कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हिस्ट्री के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, मॉडल पेपर की वीडियोज आ रही हैं, तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।